हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि गुर्जर। आज हम नेक्स्ट वाला हमारा सेशन देखेंगे। अभी तक हमने देखा था कि हमें कंस्टेंट्स वगैरह वो कैसे असाइन करने हैं, वो हमने देखे थे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। अभी हमें जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या करना है, रिसोर्सेज कैसे असाइन करने हैं। ठीक है, डिफाइन एंड असाइन रिसोर्सेज। तो अभी इसमें क्या है कि रिसोर्सेज हम कैसे डिफाइन करेंगे और असाइन कैसे करेंगे। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट में जो कोई भी मटेरियल लेबर्स लगने वाले हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज में आपके 3 टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं आपके? लेबर, लेबर में आपका आता है। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल लेबर्स हो सकते हैं, नॉन स्किल लेबर्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्या है आपका, नॉन लेबर्स। अभी नॉन लेबर्स में आपके क्या है कि मटेरियल, इसमें आपको मटेरियल्स कौन कौन से लगने वाले हैं। अभी सपोज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमने लिखी, तो उसके ऊपर आपको क्या है कि नॉन लेबर्स कौन कौन से आएंगे आपके, तो सैंड, सीमेंट, ये जो है ये आपके मटेरियल्स आएंगे इसमें, सैंड, सीमेंट। ठीक है, अभी मशीनरी, मशीनरी के ऊपर आपको क्या, कौन कौन से इक्विपमेंट्स आप इसमें यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, एक्सकैवेटर्स, ठीक है, क्रेन्स, जेसीबी, इस टाइप की मशीनरी आप इसमें यूज करते हो। ठीक है, तो 2 टाइप के आपकी शीट होते हैं। ठीक है, ये आप इसमें आपके टास्क शीट होते हैं, फिर बाद में रिसोर्स शीट होते हैं। टास्क शीट में क्या करते हैं आप, टास्क ऐड करते हो, और रिसोर्स शीट में आप क्या करते हो, जो कोई भी आपको ये रिसोर्सेस लगने वाले हैं ये आप रिसोर्स शीट में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि रिसोर्सेस कैसे असाइन करने हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हम कैसे रिसोर्सेस असाइन करेंगे। तो अब मुझे रिसोर्सेस, अब मैं क्या करूँगी, मैं MSP सॉफ्टवेयर में जाऊँगी और मैं रिसोर्सेज कैसे असाइन करूँगी या देख लो। ठीक है, अभी हम इसमें जाएंगे। अभी मैंने मेरा ये सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर मुझे रिसोर्सेज असाइन करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक रिसोर्स शीट यहाँ से लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ से भी रिसोर्स शीट ले सकती हूँ, इसके नीचे भी मेरी रिसोर्स शीट है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं गैंट चार्ट के ऊपर जब जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे रिसोर्स शीट यहाँ पे है, तो यहाँ से भी मैं रिसोर्स शीट यहाँ से अवेलेबल कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैंने ये रिसोर्स शीट मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अभी आपको रिसोर्स ऐड करने हैं, तो आपको रिसोर्सेज के लिए करेंसी पहले ऐड करनी होगी। पहले आपको इसमें करेंसी कौन सी चाहिए या आपके आपको ऐड करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि फाइल में जाने का, फिर बाद में ऑप्शंस में जाने का, इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाने का। अभी डिस्प्ले में क्या है आपकी, ये करेंसी है, तो इसको आपको कौन सी करेंसी करनी है, यहाँ पे INR। अभी आपकी INR कहाँ पे है, यहाँ से आप INR, ये INR आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि आपको सिंबल्स कौन सा रखना है ये आप रख सकते हो। ठीक है, डेसिमल डिजिट जो है किसने डिजिट में आपको रखना है या आप रख सकते हो, 0 to 2 है कौन से डिजिट में। ठीक है, प्लेसमेंट जो है आपको कैसे रखना है, आगे रखना है या बाद में रखना है, या वैसे यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, फिर ऐड रिसोर्स नेम, अभी आपको रिसोर्स नेम जो है वो ऐड करनी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाओगे रिसोर्स नेम के ऊपर। अभी सपोज मैंने पहला रिसोर्स जो है मेरा डाला यहाँ पे शाम। ठीक है, अभी शाम जो है ये जो है ये मेरा टाइप कौन सा है इसमें, यहाँ पे ये जो है मेरा वर्क टाइप है। ठीक है, ये वर्कर है इसलिए वो वर्क टाइप है। अभी मटेरियल मैं इसमें कौन से ऐड करूँगी, इसमें इसका इनिशियल लेटर आता है। ठीक है, अभी मटेरियल इसमें नहीं ऐड करूँगी मैं, इसमें क्या है, अभी मैक्सिमम यूनिट, स्टैंडर्ड रेट, ओवर रेट, ये सब आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें क्या करूँगी, मेरा मैक्सिमम रेट जो है ये इसमें डालूंगी। अभी सपोज मैंने ये 1 डाला। ठीक है, अगर आपको ये डेसिमल में चाहिए, सपोज ये परसेंट, अभी ये मेरा डेसिमल में है, ठीक है, परसेंटेज में चाहिए तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आप क्या करोगे यहाँ पे, सपोज आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप फाइल में जाके फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे, यहाँ पे आप शेड्यूल्स में जाओगे। अभी शेड्यूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डेसिमल में है ऑलरेडी, तो डेसिमल में, परसेंटेज में चाहिए तो आप परसेंटेज में यहाँ पे चेंज करोगे। ठीक है, ओके करोगे यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपका ये जो है सेकेंड वाला, आपको वो ऐड करना है, सिलेक्ट कैलेंडर बेस। अभी आपको यहाँ पे कैलेंडर बेस जो है वो भी आपको सिलेक्ट करना है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कौन सा कैलेंडर लिया था वो आपको सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने स्टैंडर्ड लिया था तो मैंने स्टैंडर्ड ही यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड रेट, इसमें आपको वो क्या करना है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो आपको अलग अलग अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर डे लिखा, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट जो है मेरा 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100 आवर्स पर डे यहाँ पे ऐसा
डालूंगी। ठीक है, 100 आवर्स पर डे मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टैंडर्ड ये आ गया। अब सेकंड रिसोर्स जो है वो मेरा ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने सपोज डाला राम। ठीक है, अभी ये जो है वर्क ही है मेरा, इनिशियल लेटर आ गया इसमें। तो अभी बेस जो कैलेंडर है वो स्टैंडर्ड आ गया। अगर आपको मटेरियल के लिए ऐड करना है तो आप सीमेंट, सपोज आपको मटेरियल के लिए ऐड करना है तो आप सीमेंट इसमें डाल सकते हो, आपको मटेरियल के लिए ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ये टाइप जो है ये आपका मटेरियल आएगा। ठीक है, मटेरियल आएगा और मटेरियल में आपका ये क्या आएगा, बैग में आएगा। ठीक है, तो आप इसको बैग में सिलेक्ट कर सकते हो, बीजी। ठीक है, बीजी के क्या आप इसमें बैग में डाल सकते हो। फिर आपको स्टैंडर्ड रेट जो है वो इसमें डालना है। अभी स्टैंडर्ड रेट जो है वो हम डालेंगे यहाँ पे 450। ठीक है, पर बैग, तो ये आपका 450 आएगा। फिर बाद में आपको क्या करना है, इसमें सेम तरीके से आप उसके अंदर और मटेरियल ऐड कर सकते हो, और आपको ऐड करनी हो तो। ठीक है, आपको मशीनरी ऐड करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सपोज आपने डाली यहाँ पे जेसीबी डाली। ठीक है, जेसीबी आपने ये मशीनरी डाली। ठीक है, आपने यहाँ पे जेसीबी डाली। अभी ये जो है आपका ये कौन सा है, मशीनरी टाइप का है। यहाँ पे आप क्या डालोगे, कॉस्ट जो है ये आपकी जे में आएंगे। ठीक है, अभी आपके जो ये कॉस्ट है इसमें, ये आपके इनिशियल जो है ये आएगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस्ट में डालोगे। ठीक है, ये आपकी मशीनरी आएंगी। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट में रिसोर्सेस कैसे, आप अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो कैलेंडर में, अभी आपको क्या करना है कि अब देखेंगे कि प्रोजेक्ट में ये रिसोर्सेस हम कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, आपने आइए 4 रिसोर्सेस लिए हैं। अभी आप यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 100 डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्रिएट वन मैं क्या करूँगी, यहाँ पे असाइन करना है तो मैं क्या करूँगी, एक प्रोजेक्ट जो है मेरा किया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैंने किया हुआ है तो मैं क्या करूँगी, टास्क है रिसोर्स। अभी मैं इसमें टास्क में जाऊंगी, अभी मैं गैंट चार्ट के ऊपर जाऊंगी। ठीक है, मैं गैंट चार्ट के ऊपर आ गई। रिसोर्सेज जो है वो मुझे असाइन करने हैं, मैंने अभी यहाँ पे किए। अभी मुझे रिसोर्सेज असाइन करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक तरीका है, मेरे फर्स्ट मेथड क्या है कि मैं यहाँ से रिसोर्सेज में जाके भी, यहाँ से असाइन रिसोर्स किया मैंने तो यहाँ से भी मैं, अभी मेरे यहाँ पे जो रिसोर्सेज मैंने ऐड किए थे वो यहाँ से भी मैं असाइन कर सकूँ। सपोज मैं मुझे जो है राम जो है, सपोज मुझे राम असाइन करना है, यहाँ पे यूनिट डालूंगी। सपोज मैंने फर्स्ट डाला यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अभी ये मैंने सपोज यहाँ पे डाली है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो राम है ये मुझे असाइन करना है, सॉरी मुझे ये शाम जो है कि नहीं तो ये मुझे राम, अभी ये मैं टिक कर। रिमूव करती हूँ मैं, मुझे जो है ये वाला ये मुझे असाइन करना है, इसको मैं रिमूव करती हूँ। शाम जो है ये मुझे असाइन करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे देखो यहाँ पे वो असाइन हो गया। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल असाइन करने तो आप फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे असाइन कर दोगे, दोनों के दोनों भी यहाँ पे असाइन हो गए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कॉस्ट जो है वो आपकी यूनिट वन रखा आपने, कॉस्ट जो है वो आपने आपके हिसाब से रखा। अभी सेकंड मेथड क्या होती है, आप इस हिसाब से भी आप इसको असाइन कर सकते हो। अभी सेकंड मेथड क्या होती है कि सपोज आपको क्या करना है, बी टास्क के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। सपोज आपने रिसोर्सेज जो है यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी आपको जैसे आप क्लिक करोगे वैसे हिसाब से आपको वो आएगा। सपोज आपको क्या करना है, राम जो है वो ऐड करना है, ओनर यूनिट जो है वो आपके यहाँ पे आ गए, कॉस्ट जो है वो आपने सपोज डाल दी यहाँ पे 800। ठीक है,
है, तो आपने कॉस्ट डाल दी, ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या होती है, सपोज मैंने यहाँ पे ओके किया तो ये मेरा यहाँ पे असाइन हो गया। अभी थर्ड मेथड क्या होता है, आपको कॉलम ऐड करने, अगर सपोज आपका ये जो है यहाँ पे रिसोर्स, यहाँ पे आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे रिसोर्स नेम जो है ऑलरेडी यहाँ पे कॉलम ऐड है, तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड करके भी आप रिसोर्सेस ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे रिसोर्सेस आएंगे, आपको जो असाइन करने हैं वो आप इसमें असाइन कर सकते हो। सपोज आपको शाम भी असाइन करना है तो आप दोनों भी यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में फोर्थ मेथड क्या है कि आपको गैंट चार्ट, आपको गैंट चार्ट में क्या करना है, राइट क्लिक करके आपको शो स्प्लिट करके करके भी आपको ये आ सकती है, ठीक है। आपने यहाँ पे असाइन किए हुए, ठीक है। सपोज आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नेम कर सकते हो, जो कोई भी आपको नेम ऐड करना है, ठीक है। प्रीडेसर्स नेम भी आप इसमें डाल सकते हो, जो नेम डालना है यहाँ पे आप प्रीडेसर्स भी डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने नेम जो है रिसोर्स नेम जो है वो आप नेम डाला, सपोज आपने प्रीडेसर्स नेम जो है सी वो डाला आपने, यहाँ पे आप कौन सा भी यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज आपने डाला ये बी टाइप, सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे बी जो है ये मेरा डाला, यहाँ पे प्रीडेसर्स बी रखा मैंने, यहाँ पे राम जो है ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइप जो है वो मेरा एफ एस है, ठीक है। अभी लैब कोड, ऐसा हम रिसोर्स को असाइन कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, अभी से फिर से आप मुझे क्या करना है, गैंट चार्ट के ऊपर अभी सपोज आपको ये, आप इसमें ऐसे रिसोर्सेस आपके यहाँ से असाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो कोई भी लिंक होती है, ठीक है, आपको सपोज टास्क दिए हुए, ठीक है। सपोज मैं एक अलग सा, आपको ये समझ में आएगा कि आपको इसे रिसोर्सेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सपोज न्यू, आपको फिर से आपको क्या करना है कि टास्क वगैरह जो कोई भी आपको नए लेने, सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल लेती हूँ, मैं फिर से क्या करती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ, मेरा ब्लैंक प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी मैंने सपोज ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसमें मैं क्या करूँगी, मेरा कैलेंडर जो है वो मेरा क्रिएट करूँगी यहाँ पे प्रोजेक्ट में, स्टैंडर्ड कैलेंडर लिया मैंने, वर्क वीक्स जो है इसमें मैं क्या करूँगी, ओके कर, ठीक है। मैंने कैलेंडर सेट किया, अभी मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग जो है वो मेरी मंडे से मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, मेरा कैलेंडर यहाँ पे सेव हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे गैंट चार्ट के ऊपर भी वो मेरा कैलेंडर जो है वो सेट कर रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अभी प्रोजेक्ट के लिए भी मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सपोज मुझे क्या करना है, अभी स्टैंडर्ड, अभी मैं जो टास्क है वो मेरे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं टास्क ए, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ अभी बी, ठीक है। अभी मुझे सपोज वो लिंक करने हैं टास्क, तो इसलिए मैं क्या करना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अभी सी लिया मैंने, यहाँ पे डी लिया, फिर बाद में ई एफ जी एच, ठीक है, यानी ये मेरा जी तक ही सपोज, और मैंने यहाँ पे इसको ऑटो शेड्यूल किया अभी, ठीक है। ऑटो शेड्यूल करने के बाद अभी क्या करेंगे हम, इसमें ड्यूरेशन जो है सबके लिए मैंने 5 ड्यूरेशन रखे, ठीक है, 5 ड्यूरेशन रखे। अभी इसमें क्या करना है मुझे, लिंक कॉल टास्क, ठीक है। अभी ये मेरे ऐसे आ गए, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, जो ये मेरे टास्क है पूरे के पूरे ये मुझे लिंक करने, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, अब रिसोर्स शीट में जाके आपको वो ऐड करने, ठीक है। मैं क्या करूँगी, लिंक करने के लिए मैं टास्क में जाऊँगी, इसके इसमें जाऊँगी। अभी यहाँ पे ऑप्शंस होता है आपका लिंक का, ठीक है। अभी मैंने ये लिंक किए तो मेरा ऐसा ऐसा गैंट चार्ट जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब रिसोर्स शीट में जाके आपको रिसोर्सेस ऐड करने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से रिसोर्स शीट में जाऊँगी, ठीक है, रिसोर्स शीट में जाऊँगी, यहाँ से मैं क्या करूँगी, मेरे रिसोर्सेज जो है वो ऐड करूँगी, एक्स वाई जेड सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। अभी मैक्सिमम जो है इसमें क्या है, मैक्सिमम 111 रखा, स्टैंडर्ड जो है वो 200 रखा, ठीक है,
200 ठीक है, ये मैंने स्टैंडर्ड जो है 200 बेस कैलेंडर जो है मैंने स्टैंडर्ड वो सिलेक्ट कर दिया। अभी सीमेंट जो है मटेरियल जो है आपको ऐड करना है, तो आप इसमें आपने इसमें ऐड कर दिए। ये जो है ये मेरा मटेरियल है, इसमें मैं बीजी डालती हूँ ठीक है। बैग के हिसाब से मैंने वो डाला, स्टैंडर्ड ब्रिड जो है इसका मैंने डाला 500 ठीक है, 500 डाला अभी इसमें। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सपोज मुझे एक मशीन ऐड करनी है, तो मैं ड्रिल मशीन सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ये जो है वो मेरी मटेरियल में आएंगे ठीक है, मटेरियल में आएंगे। अभी इसमें क्या है, मशीन जो है वो ड्रिल मशीन है। फिर से मैं टास्क शीट में क्या करूँगी, इसमें जाऊँगी ठीक है। टास्क शीट में जाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अभी गैंट चार्ट के ऊपर जाती हूँ ठीक है। फिर मुझे गैंट चार्ट पे मतलब राइट क्लिक करना है और शो स्प्लिट करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शो स्प्लिट करूँगी। अभी जो शो स्प्लिट करने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐड करूँगी जो कोई भी मेरे रिसोर्सेज है वो इसमें मैं ऐड करूँगी। सपोज मैंने ऐड वर्क और कॉस्ट किया ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं वर्क ऐड कर सकती हूँ ठीक है। वर्क ऐड हो गया, अगर मुझे कॉस्ट ऐड करना है तो मैं यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड कर सकती हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं कॉस्ट भी ऐड कर सकती हूँ। सपोज मैंने वर्क ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं वर्क ऐड कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट रिसोर्स शीट। अभी सपोज मैंने एक्स जो है वो सिलेक्ट कर दूंगी ठीक है। फर्स्ट जो टास्क है इसके लिए मैंने ये रिसोर्स नेम जो है मैंने एक्स सिलेक्ट कर दिया ठीक है, एक्स सिलेक्ट कर दिया। यूनिट जो है वो मेरा फर्स्ट इसमें डाला। वर्क्स जो है इसमें क्या डालूंगी, अभी मैं 40 आवर्स डालूंगी ठीक है। अभी सपोज यहाँ पे मैंने 40 आवर्स डाले ठीक है। फिर अभी इसमें क्या है, मुझे क्या करना है कि फिर मैं क्या करूँगी टास्क यूजेस में। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें फिर से जाऊँगी टास्क यूजेस में। अभी इसमें गई मैं ठीक है, ये मेरे दिखेंगे ऐसे मुझे ठीक है। टास्क यूजेस में जाके भी आप इसमें कर सकते हो ठीक है। ये मेरे ऐड हो गए यहाँ पे 40 आवर्स 40 आवर्स, ये जो है ये मेरे रिसोर्सेस इसमें ऐड हो गए। अभी मैं क्या करूँगी, फिर से ये जो है ये शो स्प्लिट करूँगी। मेरे यहाँ पे देखो रिसोर्सेज जो है वो ऐड हो गए। आप इसमें एक टास्क को मल्टीपल रिसोर्स मतलब ऐड कर सकते हो ठीक है। जो कोई भी आपको ऐड करने हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जो कोई भी रिसोर्सेस आपको ऐड करने हैं ठीक है। अभी सपोज आपको क्या करना है, फिर से आपको ए के ऊपर ही वाई जो है वो भी ऐड करना है ठीक है। वो भी 40 आवर्स का ही है। आपको यूनिट मैंने सेम रखा इसमें 1, ये भी है मेरा 40 का ही है। तो इसको मैंने फिर से यहाँ पे 40 आवर्स रखा ठीक है, ये 00 यहाँ पे आ गया। फिर अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों भी इसके ऊपर मैंने ये ऐड कर दिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिलेक्ट टास्क ए रिसोर्सेज एक्स वाई जो है वो मेरे मतलब जो है एक्स वाई मैंने वो 20 20 आवर्स के यहाँ पे मुझे करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फिक्स यूनिट्स जो है यहाँ पे मैंने फिक्स यूनिट्स किया। अभी मुझे एफर्ट ड्रिवन करना है, एफर्ट ड्रिवन किया मैंने तो ये मेरे यहाँ पे वो ऐड हो जाएंगे ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक्स वाई रिसोर्सेज है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे मेरे ऐड हो गए ठीक है। फिक्स यूनिट एफर्ट ड्रिवन, क्योंकि यूनिट फिक्स है ना मेरा, इसलिए वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए ठीक है। अभी इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसमें और जो है वो ऐड करते जाओगे यहाँ पे ऐड। जैसे जैसे आप ऐड करोगे वैसे वैसे उसके उसके ऊपर वो आपको चेंजेस दिखेंगे ठीक है। अभी आपको कॉस्ट देखनी है तो आपकी कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड होती जाएंगी ठीक है। आप इसमें रिसोर्सेस जो है वो ऐड कर सकते हो। अभी एक्स के लिए जो है ए टास्क के लिए एक्स वाई रिसोर्सेस हमने ऐड किए हुए हैं ठीक है। अभी आपको सपोज वर्क में देखना है तो ये 40 40 आवर्स में ये डिवाइड हो गए ठीक है। दोनों के ऊपर आपको देखना है तो दोनों भी आपके मतलब ये ऐसे आप इसमें रिसोर्सेस ऐड कर सकते हो ठीक है। समझ में आया फ्रेंड्स, आपको दोनों के दोनों ऐड करने हैं। इसमें आप फिक्स यूनिट किया तो आपको ये पूरा आपको ये पूरा आप इसमें ऐड कर सकते हो। सपोज आपने इसमें फिक्स ड्यूरेशन की जगह यहाँ पे सपोज आपने यूनिट रखा और एफर्ट ड्रिवन किया और इसमें आपने ओके किया तो आपको ये पूरा मतलब ऐड हो जाएगा ठीक है। इतना आपको समझ में आया ठीक है। बाकी का जो सेशन है हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।